यूनाइटेड स्टेट्स, अलाबामा, मोबिल शहर। बुधवार 22 सितंबर 1993। सुबह के 2:52। मोबिल नदी अमेरिका की एक प्रमुख अंतरजल मार्ग। कहानी 3 दिन पहले शुरू होती है जब अमेरिका की सुप्रसिद्ध एमट्रेक कंपनी सनसेट लिमिटेड ट्रेन नंबर 2 लॉस एंजल्स से अपनी यात्रा शुरू करती है। 3,000 मील की मियामी तक की यात्रा में 200 से ज्यादा यात्रियों के साथ यह ट्रेन 50 स्टेशनों से ज्यादा पर रुकती है। सनसेट लिमिटेड कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। 3 इंजनों और 1 बैगेज युक्त कार के साथ 7 2-मंजिला स्लीपर कार, 1 डाइनिंग कार और 1 विजिटर लाउंज कार जहां से पूरा नजारा लिया जा सकता था। 2 दिन और 2 रात की यात्रा के बाद ट्रेन टेक्सास के ह्यूस्टन होते हुए आज रात इसे अलाबामा राज्य में मोबिल नदी के ऊपर बने अमेरिका के सबसे पुराने रेल पुलों में से एक पर से गुजरना था। मोबिल नदी के मुहाने पर यूनाइटेड स्टेट्स का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है। 4,000 से ज्यादा टग बोट भरे हुए बार्ज के लगभग 90 मिलियन टन कोयला, स्टील, मिनरल्स और लकड़ी मोबिल नदी के रास्ते बंदरगाह तक पहुंचाते हैं। आज मोवेला नामक टग बोट को 6 भरे हुए बार्ज को मोबिल नदी के मुहाने पर टस्कुला पहुंचना था। यह पूरा बेड़ा 490 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा था। सारे बार्जेस को स्टील तार और बोल्ट से अच्छी तरह बांधा हुआ था। मोवेला को बार्जेस को पीछे से पुश कर आगे बढ़ने के लिए डिजाइन किया गया था। 5:30 शाम में मोवेला अपने बेड़े के साथ रवाना हुई। लगभग इसी समय सनसेट लिमिटेड लुसियाना प्रांत में द्रुत गति से दौड़ रही थी। रात के 10 बजे ट्रेन न्यू ऑरलियंस पहुंची, जहां पर यात्रियों का खाना पीना और इंजनों में ईंधन दिया जाता था। ट्रेन के तीनों इंजनों में लगभग 20,000 लीटर डीजल ईंधन डाला गया। ट्रेन के एक कोच में एसी के खराबी के कारण ट्रेन 34 मिनट देर से 11:34 पर रात में न्यू ऑरलियंस से रवाना हुई। मोवेला अपने 6 बार्जेस के ऊपर लदे स्टील, कोयले और आयरन ओर के 1400 टन के विशाल वजन के साथ बढ़ी जा रही थी। सभी कुछ शांत रात में सामान्य लग रहा था। तभी मोबिल नदी में धुंध छाने लगी। मोवेला घने कोहरे में गिर गया। मोवेला धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 12 माइल आइलैंड के पास पहुंचा, जहां से नदी 2 हिस्सों में बंटती थी। लेकिन विजिबिलिटी इतनी खराब थी कि पायलट टग बोट को नदी के किनारे चला रहा था ताकि किसी भी मजबूत पेड़ को देखकर बेड़े को बांधकर रोका जा सके, मगर इस दलदली इलाके में कोई मजबूत पेड़ दिख नहीं रहा था। ट्रेन में सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर सोए हुए थे। ट्रेन अंधेरे में उड़ रही थी। मोवेला के पायलट को बेड़े के लंगर के लिए कोई मजबूत पेड़ नहीं मिल रहा था। वह बहुत धीमी, लगभग 2 से 3 नॉट की गति से नदी में आगे बढ़ रहा था। कुछ भी नहीं दिख रहा था। 1400 टन का वजन अंदाजे से धकेला जा रहा था। सुबह के 2:45 पर पायलट को जोरदार झटका लगा। उसने महसूस किया कि बार्ज किसी चीज से टकराया है, लेकिन किस चीज से यह बिल्कुल नहीं दिख रहा था। 2 मिनट के बाद सनसेट लिमिटेड ने हरी बत्ती को पार किया। कोहरे के कारण ट्रेन की गति लगभग 72 मील प्रति घंटा थी। 5 मील आगे टग बोट मोवेला किसी चीज से टकराई थी।
पायलट और उसका क्रू बार्ज के टकराने के बाद टूटे हुए तारों से संघर्ष कर रहा था। सुबह के 2:53 पर पुल पर पूरी गति से जा रहे तीनों इंजन पुल तोड़ते हुए नदी के किनारे दलदल में घुस गए। बैगेज और पहला स्लीपर कार पूरी तरह पानी में डूब गया। दूसरा स्लीपर कार आधा डूबकर पुल के पाए पर गिर गया। यात्री आधा डूबे हुए डब्बे से ऊपर निकलकर जाने के लिए संघर्ष करने लगे। इंजनों के फ्यूल टैंक पूरी तरह भरे हुए थे, यह फट गया। पानी पर चारों ओर आग लग गई। मुवेला के पायलट ने ट्रेन क्रैश होने की जोरदार आवाज सुनी और फिर चारों ओर नदी में आग लगे देखा। मुवेला के पायलट ने कॉल इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया। ट्रेन मोबिल नदी की एक शाखा जिसका नाम बिग बायो कनाट था उसके ऊपर बने पुल पर क्रैश हो गई थी। यह एक सुदूर दलदली इलाका था जो कि मोबिल शहर से 6 मील दूर था। यहां पहुंचने के लिए कोई सड़क भी नहीं थी। नाइन ने कोस्ट गार्ड को सूचित किया पर एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी नहीं थी। 3:20 सुबह में दक्षिणी मोबिल नदी के बेस से कोस्ट गार्ड मोटरबोटों से दुर्घटना स्थल की ओर निकल पड़े। बायोकनाट ब्रिज इस बेस से 13 मील दूर था। अच्छी विजिबिलिटी में भी यह लगभग 40 मिनट का रास्ता था। नदी में तिरछी पड़ी स्लीपर कार से यात्री बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तभी वहां पर मुवेला उन्हें बचाने पहुंची जिसके सहारे 17 यात्रियों को बचाया गया। एक दूसरे टग बोट के आ जाने से 20 यात्री और बचाए गए। सुबह के 4:25 पर कोस्ट गार्ड पहुंच गई और उन्होंने बचाव कार्य अपने हाथ में ले लिया। एक राहत ट्रेन किनारे से यात्रियों को मोबिल शहर ले गई। पांच इंजन क्रू के सदस्यों सहित 47 व्यक्तियों की मौत हो चुकी थी। यह एमट्रैक ट्रेनों के इतिहास की सबसे भीषण दुर्घटना थी। कोई नहीं जानता था कि बिग बायो कनाट ब्रिज पर ऐसा क्या हुआ जिससे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। क्यों टगबोट और बार्ज नदी की उस शाखा में चल रहे थे जो कि वाणिज्यिक प्रयोग में नहीं था। क्या मुवेला का पायलट दोषी था। एमट्रैक की सनसेट लिमिटेड ट्रेन जो कि यूएसए के एक तट से दूसरे तट तक जाती थी उसमें यात्रा करना गौरव की बात थी। इस ट्रेन को इतिहास में इस घटना को छोड़कर इस ट्रेन की कोई भी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी। घटना के कुछ घंटों के अंदर ही जांच एजेंसी एनटीएसबी की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। सनसेट लिमिटेड ट्रेन नंबर 2 के मलबे से उन्होंने सुरागों की तलाश करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने साथ रेलवे इंजीनियर, पुल विशेषज्ञ और जलमार्ग विशेषज्ञ को जांच के लिए रखा। एनटीएसबी के लिए
यह एक गहरा रहस्य था कि जबकि मोवेला में राडार उपलब्ध था, फिर भी यह एक ऐसे शाखा जलमार्ग में कैसे पहुंचा जो कि वाणिज्यिक उपयोग में नहीं आता था। मोवेला के पायलट विली ने पूछताछ में बताया कि धुंध बहुत अधिक थी। वह लगातार किनारे पर नजर रख रहा था, इसलिए वह धारा के बटने को नहीं देख पाया। दुर्घटना से ठीक 30 मिनट पहले मोवेला का पायलट 12 माइल आइलैंड के पहले शाखा जलमार्ग में बाएं मुड़ गया, जबकि उसे सीधे मुख्य धारा में बढ़ते रहना चाहिए था। दरअसल मोवेला का पायलट विली राडार में पूरी तरह निपुण नहीं था। उसने धुंध में अपनी आंखों पर भरोसा किया और गलत रास्ते पर चल पड़ा। टगबोट पायलट के लिए राडार में दक्ष होना जरूरी नहीं है। दुर्घटना से 10 मिनट पहले विली ने राडार पर कुछ ऐसा देखा जिसे वह पहचान नहीं पाया। उसने पुल को कोई दूसरा टगबोट समझ लिया। यह एक घातक गलती थी। वह नदी के गलत हिस्से में था। दुर्घटना से 8 मिनट पहले विली को लगा कि वह गलत दिशा में आ गया है। अपने इंजन को रिवर्स में डाला, पर देर हो चुकी थी। बारिश के अगले हिस्से में तेज ठोकर लगी। जांच दल के सदस्यों ने पुल के पायों की जांच की। एक पाए के एक कोने का कंक्रीट टूटा हुआ था। मगर इससे पायों को इतना नुकसान नहीं हुआ था कि जिससे दुर्घटना हो सके। पुल के उस हिस्से के टुकड़े और मोवेला के बार्ज के ठोकर वाली जगह के पेंट की फॉरेंसिक जांच से यह साबित हो गया कि मोवेला की टक्कर पुल के उसी हिस्से से हुई थी। कारण की तलाश में नदी से जांच के लिए पूरा मलबा निकाला गया। पांच दिनों के बाद नदी के बीच से मुख्य सेंट्रल गर्डर बाहर निकाला गया। यह 140 फीट लंबा गर्डर सेक्शन ब्रिज से शुरू होकर तीन पायों पर टिका हुआ था, लेकिन दुर्घटना के झटके से यह स्टील का गर्डर एल्यूमिनियम की तरह मुड़ गया था। जांचकर्ताओं ने गर्डर के एक एक इंच की फोटो ली। तस्वीरों का बारीकी से निरीक्षण करने पर उन्होंने गर्डर के निचले सेक्शन में एक ऐसे हिस्से को स्पॉट किया जहां किसी चीज के टकराने से डेंट बने हुए थे। गर्डर के उस हिस्से में ट्रेन की दुर्घटना से कोई भी निशान बनने का सवाल ही नहीं था। अगर बार्ज ने केवल कंक्रीट के पायों को टक्कर मारी थी तो फिर इस पर कैसे निशान आए? क्या बार्ज से दूसरी ठोकर भी लगी थी? जांचकर्ताओं ने मोवेला की दूसरी बार जांच करने की ठानी। गहराई से जांच करने पर बीच वाले बार्ज के बम्पर पर स्टील से टकराने के गहरे निशान। बम्पर से लिए हुए सैंपल को गर्डर के सैंपल से मैच कराया गया और पहेली सुलझ गई। धीमी गति से चलते हुए बार्ज के बाएं हिस्से ने पाए को टक्कर मारी, फिर दूसरी ठोकर बीच वाले बार्ज से गर्डर पर लगी, एक के बाद दूसरे पंच की तरह। लेकिन गुत्थी अभी पूरी तरह सुलझी नहीं थी। पुल क्यों टूट गया था? ट्रेन के डिरेल होने के बाद भी गर्डर को अपने जगह पर बने रहना चाहिए था। पुल के पायों की गहराई से जांच करने पर एक अनोखी चीज पता चली। चौरासी साल पुराने इस पुल को दरअसल घूमकर खुलने वाले पुल के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसे स्विंग ब्रिज कहते थे। इस रास्ते से नौकाओं को पास कराया जाता था। लेकिन बिग बायो कनाट ब्रिज के लिए
इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया था और यह कभी पूरा बना भी नहीं था। अब जांचकर्ताओं को केवल एक सवाल का जवाब ढूंढना था, क्या बार्ज की टक्कर से गर्डर अपनी जगह से हट गया था? पुल पर काफी लोड था, तकरीबन 20 से 25 लोडेड मालगाड़ियां रोज गुजरती थी। स्विंग ब्रिज होने के कारण इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गर्डर पर आमने सामने की टक्कर में गर्डर को अपनी जगह बनाए रखने की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। गर्डर बीच वाले पाए पर घूमने और सामने और पीछे के पाए पर केवल रखा हुआ था। इसे पाए पर रोके रखने के लिए कोई बोल्टिंग नहीं थी। बार्ज की ठोकर के बाद गर्डर सेक्शन के पाए के ऊपर से सरकने के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। सारी कड़ियां मिल चुकी थी। अब जांचकर्ता लगभग सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर इस दुर्घटना की गुत्थी को सुलझा सकते थे। मुवेला के बाएं तरफ वाले बार्ज ने पहले कंक्रीट के पाए को ठोकर मारी, फिर बीच वाले बार्ज ने गर्डर सेक्शन को ठोकर मार अपनी जगह से घिसका दिया। गर्डर अपनी जगह से 38 इंच घिसक गया, उसके ऊपर लगी पटरियां भी 38 इंच मुड़ गईं। हालांकि सनसेट लिमिटेड अभी भी पुल से कुछ मील दूर थी। पुल से ठीक पहले एक ऑटोमेटिक सिग्नल भी लगा था। अगर बीच में कहीं पटरी टूटती है तो इसे अपने आप लाल हो जाना चाहिए था। लेकिन क्यों इस सिस्टम ने काम नहीं किया? दुर्घटना में लगे जोरदार झटकों और ठोकर के कारण पटरियां उखड़ गई थी, इसलिए इसकी जांच संभव नहीं थी। लेकिन दुर्घटना के ठीक बाद ली हुई फोटोज में रेल ट्रैक मुड़े हुए दिख रहे थे, जबकि वहां पटरियां बिल्कुल सीधी थी। दुर्घटना से 2 मिनट पहले ट्रेन पुल से गुजरने वाली थी, जो कि बार्ज से पहले ही ठोकर खाकर क्षतिग्रस्त हो चुका था। मगर इस क्षति के बावजूद भी सिग्नल हरा बना हुआ था। यह दुर्घटना की आखिरी घातक कड़ी थी। ठोकर के बाद रेल ट्रैक 38 इंच मुड़ गया, लेकिन टूटा नहीं। इसके साथ साथ सिग्नल की वायरिंग भी नहीं टूटी, सिग्नल हरा बना रहा। अगर पटरी टूट जाती तो सेंसर अपना काम करते सिग्नल लाल हो जाता। अब ट्रेन लगभग 1.5 मील पीछे थी। गर्डर अपनी जगह से हट चुका था, पटरियां 38 इंच मुड़ चुकी थी। ट्रेन के ब्लैक बॉक्स में ट्रेन की गति 72 मील प्रति घंटा रिकॉर्ड थी। ट्रेन ने इस गति से ब्रिज के नीचे फिक्स्ड गर्डर को हिट किया। स्विंगिंग गर्डर अपनी जगह से उखड़कर नीचे नदी में गिर गया। दुर्घटना के 2 दिनों के बाद इंजनों को दलदल से बाहर निकाला गया। सबसे आगे वाले इंजन के अग्रभाग पर गर्डर से ठोकर के निशान मिले। जिसके बाद इंजन उड़ते हुए दलदल में जा घुसा। बैगेज कार के साथ साथ पहली के बाद दूसरी पैसेंजर स्लीपर कार इसके पीछे नदी में जा गिरी। केवल एक पुरानी स्विंग ब्रिज, जो कि मामूली उपायों से अपनी जगह पर फिक्स्ड की जा सकती थी, इसकी अनुपस्थिति में बार्ज की एक मामूली ठोकर से एक बड़ी दुर्घटना का कारण बना। यह पहली वजह थी। 47 कीमती जिंदगियां खत्म हो गई। टगबोट पायलट की रडार रीडिंग की अज्ञानता को जांचकर्ताओं ने दुर्घटना की दूसरी मुख्य वजह बताया। ठोकर के बाद भी ट्रैक के काफी टेढ़ा होने के बावजूद भी सिग्नल का लाल नहीं होना दुर्घटना की तीसरी वजह थी। दुर्घटना के 11 दिनों के बाद पुल को फिक्स्ड गर्डर के साथ फिर से चालू कर दिया गया। टगबोट पायलटों के लिए रडार रीडिंग कोर्स अनिवार्य कर दिया गया। नए सिग्नलिंग सिस्टम लगाए गए। सनसेट लिमिटेड ने अपनी सेवाएं फिर से चालू कर दी। अभी तक
बिना किसी बड़ी घटना के साथ।